हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में सितंबर 2023 के कंप्लीट मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टेंशंस बिटवीन कैनेडा एंड इंडिया इंक्रीज्ड आफ्टर द अलेज्ड किलिंग ऑफ विच सिख लीडर्स। इसका करेक्ट आंसर हरदीप सिंह निजर है। हरदीप सिंह निजर की बात करें तो ये जो है सेपरेटिस्ट लीडर थे, यानी कि अलहदगी पसंद रहनुमा थे सिखों के खालिस्तान मूवमेंट के लिए। खालिस्तान मूवमेंट जो है ये सिख लीडर चला रहे हैं और ये चाहते हैं कि इंडिया में हमें एक अलग रियासत दी जाए जिसका नाम खालिस्तान हो। और ये 11 अक्टूबर 1977 को इंडिया में पैदा हुए और इन्हें 18 जून 2023 को एलिजिबली कैनेडा में कत्ल किया गया। और 18 सितंबर 2023 को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इंडिया और जो इंडिया की जो एजेंसीज़ हैं इनके कत्ल में मुलविस हैं। सो ये इंडिया ने एक डिप्लोमेट भी है, डिप्लोमेट जो था कनाडा का, कनाडा ने जो एक डिप्लोमेट था इंडिया का उसको भी एक्सपेल कर दिया है, यानी कि अपने कंट्री से निकाल दिया है। और इसी तरह इंडिया ने भी जो उनका जो डिप्लोमेट था कनाडा का सफारतकार था उसको भी एक्सपेल कर दिया है। सो हरदीप सिंह निजर इसका करेक्ट आंसर है। मर्सिया सनेगर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। सो इसका करेक्ट आंसर मालदोवा है। मालदोवा के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 17 जनवरी 1947 को ये पैदा हुए और 13 सितंबर 2023 को इंतकाल कर गए। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मालदोवा के 1990 से लेकर 1997 के दरमियान। नेम द विनर ऑफ मैन सिंगल्स टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ है, जो कि सितंबर के मंथ में हर साल ये मुनक्किद किया जाता है यूजली। सो इसमें मर्दों की कैटेगरी में नोवाक जोकोविक ने जीत लिया है, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और इसमें रनर अप डेनियल मेडेव रहे हैं, जो कि रशिया के प्लेयर हैं। और ये सितंबर के मंथ में हुआ है। विच कंट्री वन सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। ये 8वां एडिशन था। रनर अप इसमें बांग्लादेश रहा और ये थिम्पू यानी कि भूटान में इसको मुनक्किद किया गया। और इसका जो फाइनल है ये 10 सितंबर को हुआ था और टोटल इसमें 9 मैचेस खेले गए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। विच क्रिकेट टीम इज द चैंपियन ऑफ मैंस क्रिकेट एशिया कप 2023। इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने मैंस की मर्दों की कैटेगरी में जो क्रिकेट एशिया कप 2023 हुआ है वो जीत लिया है। और ये 16वां एडिशन था। ये 30 अगस्त को शुरू हुआ और इसका फाइनल 17 सितंबर को हुआ। इसमें विनर इंडिया है और इंडिया ने 8वीं मरतबा ये जीता है। रनर अप इसमें बांग्लादेश रहा है। रनर अप उसे कहते हैं जो फाइनल में आकर हार जाए। और ये जो है मुनक्किद किया गया था पाकिस्तान और श्रीलंका में। 4 मैचेस पाकिस्तान में खेली गई, 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में इसको मुनक्किद की गई। टोटल 13 मैचेस थे और जो टोटल टीमें थी वो टोटल 6 टीमें थी। विच कंट्री हैज़ वन फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी है। जर्मनी ने फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को पहली मर्तबा जीत लिया है और ये फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में इसको मुनक्किद किया गया। रनर अप इसमें सर्बिया था। थर्ड प्लेस पे कनाडा, फोर्थ प्लेस पे यूएसए। और इसमें 22 गेमें खेली गई। इसका फाइनल 10 सितंबर को हुआ था। विच कंट्री विल चेयर द G20 समिट इन 2023। सो G20 का जो समिट हुआ है, सरबराई जो इजलास हुआ है 2023 में, इसको इंडिया ने होस्ट किया है। 2020 का जो समिट हुआ था G20 का, वो सऊदी अरब में हुआ था। 2021 का इटली में, 2022 का इंडोनेशिया में, 2023 का इंडिया में, 2024 का ब्राज़ील में होगा और 2025 का जो है वो साउथ अफ्रीका में मुनक्किद किया जाएगा। अगर हम G20 की बात करें तो G20 का इस मरतबा जो इजलास हुआ है सितंबर में, इसमें रशिया और चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसको इंडिया ने इस मरतबा होस्ट किया था। न्यू दिल्ली इंडिया में मुनक्किद किया गया था और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील को जो है वो हैंडओवर कर दिया है, क्योंकि 2024 का जो समिट होगा वो ब्राज़ील में मुनक्किद किया जाएगा। और इसका न्यू मेंबर अफ्रीकन मेंबर बना है, अफ्रीकन यूनियन इसका न्यू मेंबर बना है। और इसका पुराना नाम G20 था, अब इसका नया जो नाम है वो G21 यानी कि ग्रुप ऑफ 21 रखा गया है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट
स्पॉटलेस ग्राफ वॉज बोर्न इन विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर अमेरिका है. अमेरिका यानी कि यूएसए में दुनिया का पहला स्पॉटलेस ग्राफ पैदा हुआ है, यानी कि बेदाग जराफा जिस पर कोई दाग नहीं है, कोई निशान नहीं है, वो पैदा हुआ है अमेरिका में, यूएसए में. ऑन सितंबर 27, 2023 गूगल सेलिब्रेटेड इट इज डैश बर्थडे. सो 25th इसका करेक्ट आंसर है. 25 साल 2023 में गूगल को हो गए हैं और इस मरतबा इसको 25वीं इसकी यूज समझें आप बर्थडे मनाई गई है गूगल की. और गूगल ने 25वें सालगिरह पर इस तरह अपना डूडल बना लिया था. सो इसको सितंबर 1998 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था गूगल को. ये एक सर्च इंजन है और यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है. माइकल गैम्बन वॉज द लेजेंडरी एक्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे? सो इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड है. ये आयरलैंड के क्रिकेटर, ये आयरलैंड के एक्टर थे, लेजेंडरी एक्टर थे. माइकल गैम्बन इनका नाम था और ये 19 अक्टूबर 1940 को पैदा हुए. 27 सितंबर 2023 को 82 बरस की एज में इंतकाल कर गए. और ये हैरी पॉटर जो सीरीज़ है उसमें ये प्रोफेसर अल्बस डंबलडोर के नाम से ये जो है इन्होंने कैरेक्टर अदा किया था. सो ये 27 सितंबर को इंतकाल कर गए. सऊदी अरबिया ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 मीटिंग विद विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है. इंडिया के साथ सऊदी अरब ने पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 मीटिंग को मुनक़िद किया है 11 सितंबर 2023 को. When is World Alzheimer Day observed? World Alzheimer Day जो है ये 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. 2023 का इसका थीम है Never too early, never too late. और ये एक डिजीज़ है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मुतासर करता है. इंटरनेशनल पीस डे अमन का आलमी दिन 21 सितंबर को मनाया जाता है. 2023 का थीम है Actions for Peace, Our Ambition for the Global Goals. इंटरनेशनल वीक ऑफ डीप पीपल ये भी सितंबर के मंथ में ये पूरा वीक मनाया जाता है. और वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इसको इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी कहा जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है. 2023 का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है. 2023 का थीम है इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी. वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है ये 18 सितंबर को मनाया जाता है. पानी की निगरानी का आलमी दिन 18 सितंबर को मनाया जाता है. वर्ल्ड बम्बू डे ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये एक दरख्त का नाम है. इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जमहूरियत का आलमी दिन 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल. और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फुटबॉलर हैज़ रिसेंटली एम्प्रेस्ड इस्लाम्स? इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट ब्योर है. रॉबर्ट ब्योर जो कि जर्मन फुटबॉलर हैं, जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर हैं, इन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल कर लिया है. इन सितंबर 2023 हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ यू एन जनरल असम्बली? सो इसका करेक्ट आंसर डेनिस फ्रांसिस है. डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये इनको एज प्रेसिडेंट बनाया गया है सितंबर के महीने में. और ये यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है क्योंकि यूएन की जनरल असेंबली का जो इजलास होता है वो जिसमें हेड ऑफ जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी सितंबर के मंथ में होता है. इस मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी अनवारुल हक का करने की है. विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द माइन्यूट मैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? इसका करेक्ट आंसर यूएसए है. यूएसए ने 2023 में रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम माइन्यूट मैन 3 दिया गया है उसको टेस्ट किया है. विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड वॉज ऑब्जर्व ऑन 8 सितंबर 2023? सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है. पहली बरसी मनाई गई है मलका बरतानिया दोयम की और ये 8 सितंबर 2022 को 96 बरस की एज में स्कॉटलैंड में ओल्ड एज की वजह से इंतकाल कर गई थी. विच आर द फॉलोइंग अटेंडेड यूनेस्को मीटिंग इन सऊदी अरबिया फॉर द फर्स्ट टाइम? सो इसका करेक्ट आंसर इसराइल है. इसराइल ने 11 सितंबर 2023 को इनकी जो एक वफ़ था, इनका जो डेलीगेशन था, उनको उन्होंने पहली मरतबा सऊदी अरब में जो है यूनेस्को की मीटिंग को अटेंड किया है. Which country has built the world's most powerful hypersonic wind tunnel? दुनिया का सबसे powerful wind tunnel, hypersonic wind tunnel ये चाइना ने 2023 में बना लिया है.
which is the first country in the world to host global health security summit. So Pakistan is the correct answer. Pakistan world ka pehla country hai jo global health security summit ko jo hai wo 2023 mein munakkid karega. Who became fastest ODI player to reach 1300 runs? So 13000 jo hai runs banane wale ODI player ban gaye hain. फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं. इन सितंबर 2023 विच कंट्री बैंड निकाब इन स्कूल्स? इसका करेक्ट आंसर इजिप्ट है. इजिप्ट ने स्कूलों में निकाब पर पाबंदी आयद कर दी है. इस वीडियो को देखने के बाद टेस्ट पॉइंट डॉट पी के विजिट करके अपना टेस्ट जरूर लें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है. विच यूरोपियन कंट्री बैंड चिल्ड्रन फ्रॉम वेयरिंग अबाया? अबाया पहनने से किस कंट्री ने, यूरोपियन कंट्री ने पाबंदी आयद कर दी है? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है. फ्रांस ने 4 सितंबर से स्कूलों में, जो कि सरकारी स्कूलें हैं फ्रांस में, उसमें अबाया पहनने से जो है वो उस पर पाबंदी आयद कर दी है. वर्ल्ड कोकोनट डे जो है ये 2 सितंबर को मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि खैरात का जो दिन है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है. और वर्ल्ड बैंक ने जो है लॉन्च कर दिया है फर्स्ट डेडिकेटेड सेफ रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया. ये किस मुल्क में है? सो इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश है. बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक ने पहला रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को इफ्तिताह किया है, जो कि साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम हुआ है. विच इस्लामिक कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट डोमेस्टिकली बिल्ट ड्रोन नेम्ड मुहाजर 10? इसका करेक्ट आंसर ईरान है. ईरान ने रिसेंटली मुहाजर 10 नामी लेटेस्ट डोमेस्टिकली बिल्ट ड्रोन को जो है वो जो है लॉन्च किया है, इफ्तिताह किया है. ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा. वट इज़ द मास्कट ऑफ द 2023 ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? ICC मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मास्कट क्या है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. टेस्ट पॉइंट डॉट पी के बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहां हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. यहां आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और टेस्टों में मोस्टली क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आते हैं. अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.